हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक स्किन डिसीज एक्जिमा के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे एक्जिमा की बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसे यूज़ करके आप अपने एक्जिमा की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, परमानेंटली क्योर कर सकते हैं अपने एक्जिमा की प्रॉब्लम को। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्जिमा की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली स्किन डिसीज में से एक होती है और सभी एज ग्रुप को एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन जो छोटे बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनको भी एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है और छोटे बच्चों को तो एक्जिमा की प्रॉब्लम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ते जाती है, कई लोगों में एक्जिमा की प्रॉब्लम जो होती है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। और अधिकतर देखा गया है कि जिनको एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, उनको जैसे ही वेदर चेंज होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, वैसे ही उनकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनको इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, यहाँ तक कि वहाँ से ब्लड डिस्चार्ज भी उनका होने लगता है। एक्जिमा में आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा रेड इरप्शंस होते हैं, आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है और थिक पपड़ीनुमा संरचना बना लेती है। आपके शरीर के लिए जो त्वचा होती है वो एक बाहरी सुरक्षा परत का काम करती है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखती है, यानी नमी प्रदान करती है, और कोई भी बाहरी हानिकारक जो तत्व रहते हैं उनसे या कोई भी प्रदूषण से हमारे शरीर की रक्षा करती है। पर एक्जिमा में जो ये सुरक्षा कवच रहता है, इसी पर कोई हानि पहुंच जाता है, कोई नुकसान पहुंच जाता है, जिसके कारण जो त्वचा रहती है वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा खुरदुरी हो जाती है वहाँ की त्वचा, वहाँ पे इरप्शंस आ जाते हैं और वहाँ पे एक्जिमा कॉज हो जाता है। अगर इसके कारणों की बात करें तो एक तो इसका कारण हो सकता है अनुवांशिक। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम पहले रह चुकी है, फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या मदर फादर को, किसी को भी अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम है फैमिली हिस्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आगे भी एक्जिमा की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। दूसरा इसका एक कॉज हो सकता है एलर्जी। अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, रिकरेंट एलर्जी होती है किसी को, चाहे किसी फूड से एलर्जी है किसी को, या किसी को रिकरेंसी में कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, जैसे ही वेदर चेंज होता है वैसे ही उसको एलर्जी हो जाती है, तो भी उसको आगे चल के एक्जिमा कॉज होने के चांसेस होते हैं। तीसरा इसका कॉज हो सकता है इन्वायरमेंटल, यानी वातावरण में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं इन्वायरमेंट में, तो जिसके कारण भी आपको एक्जिमा कॉज हो सकता है। और एक चीज़ और है, जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्जिमा डेवलप होने की, उनको खतरा ज़्यादा होता है एक्जिमा होने का। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है इचिंग। एक्जिमा में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इंटेंस इचिंग होती है, दिन भर इसका जो पेशेंट रहता है वो अपने शरीर को खुजाते रहता है जिस जगह में उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम है। रेड इरप्शंस हो जाते हैं वहाँ पे, पहले इचिंग होगी, देन इचिंग के बाद वहाँ पे रेड कलर का इरप्शन हो जाएगा, ड्राई हो जाती है वहाँ की स्किन, बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है और थिक पपड़ीनुमा संरचना बना लेती है, यानी आप देखेंगे कि वहाँ की स्किन धीरे धीरे थिक होने लगी है, एक पपड़ी के जैसे वहाँ की स्किन होने लगी है। कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ से ब्लड का डिस्चार्ज भी होने लगता है, यह बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और आपकी जो एक्जिमा की प्रॉब्लम है वो आपके शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, यानी आपके शरीर में कहीं भी एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपके चेस्ट में एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ में हो सकती है, इवन जो आपका फोल्ड है, ये जो कोहनी का जो फोल्ड होता है, इसके भी अंदर एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके थाई एरिया में हो सकती है, आपके माथे में हो सकती है, यानी फेस में भी कहीं भी आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है। देन अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन की, कि कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो एक्जिमा की प्रॉब्लम को आपके पूरी तरीके से ठीक कर देगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो मेडिसिन बताऊंगी इसकी, और एक लोकल एप्लीकेशन के लिए एक ऑइंटमेंट बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके एक्जिमा की प्रॉब्लम में, पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाली है आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम, चाहे आपको एक्यूट एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, चाहे क्रॉनिक एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, यानी लंबे समय से आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है और आपने बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की है बट आपके एक्जिमा की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो भी उसमें ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकता है, कोई भी इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ है ये मेडिसिन। तो सबसे पहले आपको लेके आना है डॉक्टर रेगवेग की R23।
R23 मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एक्जिमा की केस में, चाहे आपका एक्यूट एक्जिमा हो या क्रॉनिक एक्जिमा हो, चाहे किसी भी प्रकार का एक्जिमा हो बॉडी में, किसी भी जगह पे अगर आपका एक्जिमा हो गया है, तो सभी में R23 बहुत ही अच्छा वर्क करती है, एक्सीलेंट रिजल्ट है इस मेडिसिन की। अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो R23 में जो मेडिसिन मिली हुई है, जैसे R23 में सल्फर मिला हुआ है, और सल्फर आई थिंक आप सभी को पता है कि स्किन में सल्फर के कितने अच्छे रिजल्ट होते हैं। अगर आपके स्किन में इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जैसे एक्जिमा का मेन सिम्टम्स ही इचिंग है, रेड इरप्शंस हो गए हैं आपके स्किन में, और साथ ही साथ वहाँ बर्निंग हो रही है, डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो जितने भी स्किन में ये प्रॉब्लम हो रही है एक्जिमा के, ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये सभी को सल्फर कवर करती है। सेकेंड नंबर में इसमें मिला हुआ है एपिस मेल्फिका। एपिस मेल्फिका भी एक्सीलेंट रिजल्ट देती है डर्मेटाइटिस के केस में। अगर आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन हो गया स्किन में, रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है वहाँ पे, तो सभी में एपिस मेल्फिका का रिजल्ट भी एक्सीलेंट होता है। थर्ड नंबर में इसमें मिला हुआ है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी आपके एक्जिमा में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है आपको एक्जिमा में, स्वेलिंग है, साथ ही साथ पेन हो रहा है आपको, तो इसमें आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। और फोर्थ नंबर में इसमें मिला हुआ है रशटॉक्स। रशटॉक्स भी आप सभी को पता होगा कि स्किन में कितना अच्छा वर्क करती है, खास करके जैसे ही वेदर चेंज हो जाता है और उसके बाद आपके स्किन कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, उसमें तो रशटॉक्स का एक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होता है। तो ये चारों ही मेडिसिन आपकी R23 में मिली हुई है, तो R23 मेडिसिन को आपको यूज़ करना है, जिससे आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाली है। इस मेडिसिन को आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है, 15-15 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में। सुबह सुबह आप खाली पेट इस मेडिसिन का यूज़ करें तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। जैसे आप ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे पहले इस मेडिसिन को 1/4 कप गुनगुने पानी में 15 बूंद ऐड करके पी लीजिए, और शाम को जैसे आप कुछ खाते हैं उसके आधे से 1/4 घंटे पहले इस मेडिसिन को आप पी लीजिए, तो इस मेडिसिन का रिजल्ट बहुत ही आपको एक्सीलेंट मिलने वाला है। देन सेकेंड नंबर में आपको मेडिसिन यूज़ करना है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20 किसी भी स्किन डिसीज़ के लिए, चाहे आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी प्रकार के डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो आपको, या सोरिएसिस की प्रॉब्लम हो, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो, यानी कोई भी स्किन डिसीज़ में बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20 का रिजल्ट बहुत ही एक्सीलेंट है। तो आपको इस कॉम्बिनेशन की 5-5 मेडिसिन दिन में 3 बार, मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग में, दिन में 3 बार यूज़ करना है। 5-5 टैबलेट, चाहे तो आप डायरेक्टली चू करके खा सकते हैं, या आप मेडिसिन लेने के बाद में हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। तो आपको ये दोनों ही मेडिसिन यूज़ करना है, फर्स्ट में R23 मेडिसिन और सेकंड में बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20। दोनों के बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है। अगर आपको क्रॉनिक एक्जिमा की प्रॉब्लम है, लंबे समय से अगर आपको ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको 1 साल से एक्जिमा की प्रॉब्लम है, 2 साल से एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो आप इस मेडिसिन को 3-4 महीने तक कंटिन्यू खाइए। अगर आप 3-4 महीने तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक्जिमा की प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली ही क्योर हो गई है, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। और अगर आपको एक्यूट एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपके एक्जिमा की प्रॉब्लम से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देन इसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए एक ऑइंटमेंट भी यूज़ करना है, उस ऑइंटमेंट का नाम है ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट। चाहे तो आप किसी का भी ये ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, SBL का यूज़ कर सकते हैं, स्वाबे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी ब्रांड का आप ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए। ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है एक्जिमा में, इवन आपकी जो इचिंग है इस ऑइंटमेंट के यूज़ करने से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो आपको इन दोनों मेडिसिन को यूज़ करना है, R23 और बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20 को, और साथ ही आपको ये ऑइंटमेंट यूज़ करना है ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट। इन तीनों को ही आप यूज़ करें तो किसी भी प्रकार के एक्जिमा से, चाहे एक्यूट एक्जिमा हो, क्रॉनिक एक्जिमा हो, वेट एक्जिमा हो, ड्राई एक्जिमा हो, सभी प्रकार के एक्जिमा से आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और साथ ही आप मेडिसिन लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप एक्जिमा की प्रॉब्लम में कुछ भी खट्टा ना खाएं, जैसे आप दही का सेवन ना करें, छाछ का सेवन ना करें, किसी भी प्रकार की खटाई का आप सेवन ना करें, तो मेडिसिन जो है वो बहुत ही जल्दी इसमें एक्ट करती है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।